आखिर IRDA चाहता क्या है, इतनी जल्दी फास्ट इतने परिवर्तन इतने चेंज करे जा रहा है। अभी दोस्तों कमीशन कम करने की बात है, एजेंट की ऑनलाइन पोर्टेबिलिटी हो सकती है, यानी कस्टमर अपना एजेंट चेंज कर सकता है, डीमैट अकाउंट खुलाओ पॉलिसी खरीदने के लिए। और दोस्तों ये परिवर्तन अभी अप्लाई कुछ हुए हैं, कुछ होने वाले हैं। और दोस्तों एक बड़ा परिवर्तन IRDA ने और कर दिया, और दोस्तों उस परिवर्तन से बहुत सारे एजेंट्स का बिजनेस 100% कम होगा। तो दोस्तों क्या वो परिवर्तन है और कैसे उस परिवर्तन से आपको डील करना है, नहीं तो क्या होगा, आपका 50% बिजनेस साफ हो जाएगा और आप बोलोगे हुआ क्या। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या चेंज हो गया है, और दूसरा उससे क्या नुकसान और फायदे होने वाले हैं, और कैसे उससे उस परिवर्तन से अपने बिजनेस को बचा कर रखें और बढ़ाएं। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर मुझे अपने कमेंट शेयर करें, क्योंकि आपकी जो दोस्तों कमेंट्स है वो आपकी आवाज है, मैं अपनी आवाज दे सकता हूं। आपके अंदर क्या चल रहा है अगर आप कमेंट्स करेंगे तो दोस्तों ये पूरे गूगल के प्लेटफॉर्म में फ्लो करते हैं, और आपको नहीं पता कि सोशल मीडिया की पावर कितनी है, आपका कमेंट्स कौन पढ़ेगा और कहां तक आवाज जा सकती है। तो अपने आवाज को दिल में मत दबाओ, उसको बाहर निकालो, और अगर बार बार आप बार बार आते रहते तो भी दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं, थैंक यू वेरी मच, और आप जरूर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं चेंज के खिलाफ नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट चेंज, बिकॉज चेंज इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइफ, परिवर्तन इस संसार और लाइफ का हिस्सा है, मैं इस बात को समझता हूं, और मैं चेंज के खिलाफ नहीं हूं, मैं चेंज के साथ हूं। लेकिन मेरा जो कंसर्न है, जो मैं IRDA के अधिकारियों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कान पे, मेरा कंसर्न आप ध्यान से सुनिए, और हो सकता है ये आपका भी विषय हो, मेरा दोस्तों कंसर्न ये है कि IRDA इस इंडस्ट्री को परिवर्तन करना चाहता है, मैं भी चाहता हूं, बहुत चीजें वो प्रोसेस बनाना चाहते, मैं भी चाहता हूं, वो चाहते हैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाए, मैं भी चाहता हूं, वो चाहते हैं मिस सेलिंग ना हो, मैं भी चाहता हूं, वो चाहते हैं इंश्योरेंस गांव गांव में पहुंचे, मैं भी चाहता हूं, हालांकि मैं इंश्योरेंस का एजेंट नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंश्योरेंस हर आदमी के लिए अवेलेबल हो। लेकिन दोस्तों मैं जरा सवाल है वो ये है कि जब परिवर्तन करना होता है, एग्जाम्पल लेता हूं, एक बच्चे ने अभी 10 का एग्जाम पास किया, अब आप उसको बोलो बेटा तूने 10 पास कर लिया है, अब डिजिटल वर्ल्ड आ गया, परिवर्तन बहुत फास्ट हो रहा है, अब तू एक काम कर, अब तू 11वीं छोड़, 12वीं छोड़, ग्रेजुएशन छोड़ और मास्टर छोड़, तू सीधा कर ले PhD, डॉक्टर बन जा, बस तू सब्जेक्ट का डॉक्टर बन जा, PhD कर, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है बस। अब मेरा पॉइंट यह है कि इतने सारे चेंज आप इतनी फास्ट अगर कर दोगे तो क्या आपको लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री तैयार है इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? क्या इस इंडस्ट्री में जो एजेंट काम करते हैं वो तैयार है इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? एंड फॉरगेट अबाउट द इंडस्ट्री एंड द एजेंट, क्या जो कस्टमर है वो भी तैयार है इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए या नहीं? ये सवाल पहले सोच लेने चाहिए और पूरा विश्लेषण कर लेना चाहिए इसके पहले कि हम कोई निर्णय थोप दें। हमारे पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि बस हमने बोला हाँ भाई हो गया तो हो गया, अब वो राजा वाला कल्चर खत्म हो चुका है। हालांकि अभी हो बहुत जगह यही चल रहा है सरकारी संस्थाओं में कि राजा कल्चर है, ऊपर से जो फरमान जारी हो गया वो नीचे तक जाता है, ये कल्चर खत्म होना चाहिए, नहीं फिर किस बात का लोकतंत्र भाई। तो अब IRDA ने क्या किया, सारे एजेंट का कमीशन कम करो, हाँ भाई कम कर, एजेंट पोर्टेबिलिटी आ गई, हाँ भाई आ गई, डीमैट अकाउंट ले आ, हाँ भाई ले आ, अब ये सब तो हो गया। अब मुझे बात बताओ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो 90% लोग काम करते हैं वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल और नहीं है कि इतने सारे चेंज तुरंत एक्सेप्ट कर ले। फॉरगेट अबाउट इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मैं कहता हूं कोई भी इंडस्ट्री लेके आइए आप, और इतने एक इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े बदलाव आप एक साल के अंदर कर दीजिए, कोई इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर का जो कल्चर अभी यहां आ रहा है वो सारे चेंज उन्होंने कई सालों पहले किए थे, 10-10 साल लगे, यहां सोचते हैं एक ही महीने में एक साल में सब हो जाएगा। लेकिन मैं चेंज के खिलाफ नहीं हूं, मैं जो बात कहना चाहता हूं कि समय लगता है चीजों को एक्सेप्ट होने में, और शायद IRDA के अधिकारी इस बात को समझना नहीं चाहते, बस वो फटाफट सब कर देना चाहते हैं, सिस्टम बदलना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम बदलने में लोगों की सोच बदलनी पड़ती है, और सोच बदलना ही सबसे मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों IRDA से मेरा सवाल यही है कि परिवर्तन करना है तो इकट्ठे पूरा वजन लाद दोगे तो उसका रिपल इफेक्ट होगा, यानी उसका विरोध ही होगा जो हो भी रहा है,
और अगर आप एक एक करके परिवर्तन लाओगे तो क्या होगा, एक से दो से तीन साल के अंदर सारे परिवर्तन अप्लाई हो जाएंगे और इंडस्ट्री बदलना शुरू हो जाएगी। ये मेरा सुझाव है, आपका इसके बारे में क्या राय है आप जरूर अपना कमेंट्स करें, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो कमेंट्स के माध्यम से निकल के आती है। अब दोस्तों बात करता हूं कि कौन सा चेंज IRDA ने कर दिया है। दोस्तों IRDA ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया है जो कि जनवरी 2023 यानी बस दो महीने बाद में वो लागू हो जाएगा। वो प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों, आपने सबने नाम सुना होगा, उसका नाम है बीमा सुगम, यानी बीमा को सुगम कर दिया गया है। सुगम मतलब आसान, यानी अब उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या क्या काम होंगे, चार काम होंगे। नंबर वन, उसमें पॉलिसी बिकेगी। नंबर दो, उसमें कस्टमर को सर्विस मिलेगी। नंबर तीन, उससे कस्टमर को क्लेम मिल सकता है। और नंबर चार, एजेंट की पोर्टेबिलिटी वाला भी इंजेक्शन उसमें लगा दिया है, यानी राम ने पॉलिसी कराई श्याम से ऑनलाइन, और अगर राम को लगा श्याम ठीक नहीं है या कोई और बंदा उसको मिल गया तो बोलेगा भैया तू एक काम कर श्याम, तू हट, अब मैं ये पॉलिसी कराऊंगा किसी रावण से। बाजार में बहुत सारे रावण भी इंश्योरेंस का काम करते हैं, हर इंडस्ट्री में कुछ रावण बैठे हैं। अब मैं डंकी की चोट पे बोलता हूं, कोई इंडस्ट्री ऐसी दूध की साफ नहीं है जिस इंडस्ट्री में कलाकार हरामखोर और चोरी करने वाले बैठे हो, वही तरह लोग इस इंडस्ट्री में बैठे हैं। तो अब ये चार काम दोस्तों होंगे, पॉलिसी बिकेगी, सर्विस मिलेगी, क्लेम मिलेगा और एजेंट पोर्टेबिलिटी होगी। तो IRDA का मकसद ये कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा और कस्टमर को आराम मिल जाएगी। वो सब कहना तो आसान है, लेकिन अभी क्या क्लाइंट रेडी है इस चेंज को स्वीकार करने के लिए, पहला सवाल, राइट। तो ये दोस्तों चेंज IRDA ने ऑलमोस्ट डन कर दिया है, इसमें चार काम होंगे और ये पूरा का पूरा जो ये बीमा सुगम का जो पोर्टल है ऑनलाइन, ये सारा IRDA की अध्यक्षता में होगा, यानी IRDA खुद इसको मॉनिटर करेगा, ट्रैक करेगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले दोस्तों 5-10 साल में बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन शुरू शुरू में से बहुत चैलेंज आने वाले जो मुझे दिख रहा है, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो IRDA ने ऑनलाइन चेंज किया है, इसके किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और फिर एज ए आम एडवाइजर, आम पर्सन, इस इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे इस बदलाव का हिस्सा बनके फायदा उठाएंगे, इसके बजाय कि बोलो किस्मत खराब है। क्योंकि जो चेंज होना है दोस्तों वो करके मानेंगे, किस्मत को दोष देने का फायदा नहीं है, काम पे लग जाओ। तो दोस्तों इससे फायदा किसका है, सबसे पहला फायदा कस्टमर का है, और मेरी फिलॉसफी हमेशा से रही है कि कस्टमर का फायदा पहले होना चाहिए, लेकिन तरीके डिफरेंट होना चाहिए। इसमें कस्टमर फायदा क्या, कस्टमर के पास सारे ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है, सारी पॉलिसी अवेलेबल है। अच्छा हाँ, इसमें सारी पॉलिसी मिलेंगी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, सारा इंश्योरेंस जो है वो ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा। तो कस्टमर जाएगा, चेक करेगा, ये लेना, चल भाई डन कर दे, तो कस्टमर को क्या मिला, सुविधा मिल गई। नंबर दो, इसमें क्या होगा कि जब कस्टमर ऑनलाइन पॉलिसी खरीदेगा तो कस्टमर को प्रीमियम कम मिलेगा, तो उसका फायदा प्रीमियम में हो गया। तीसरा दोस्तों फायदा किसको है, कंपनी वालों को, इनका रंग लगे ना फिट करी, क्या बोलते हो जो कहावत है, और रंग चोखा लगा कुछ नहीं, अब पॉलिसी बिक गई, कस्टमर खुद ही चल के आ गया। अब वो कैसे बेचेंगे, ऑनलाइन जाएंगे, किसी फिल्म स्टार को हायर करेंगे, किसी हीरोइन को हायर करेंगे, वो ठुमका लगाएगी ऐसे, और फिल्म स्टार बोलेगा हे ये पॉलिसी खरीदो, वो फायदी करो बस, और बंदा देखेगा टीवी में एड, और वो जाएगा ऑनलाइन पॉलिसी खरीद लेगा। तो कस्टमर फायदे में और कंपनी फायदे में, तो बीच में फंसा कौन, एडवाइजर, एजेंट, उनका मॉल बिक जाएगा, कंपनी वालों की पॉलिसी बिक जाएगी। क्योंकि इसमें ये जो पोर्टल बना रहे हैं, ये सारे इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसियां रहेंगी उसमें, ऐसा नहीं कि सब पूरी मंडी, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस एक्सचेंज, यानी मंडी बना दी है, आओ खरीदो बस, दैट्स इट। और इसमें एक नियम और फ्यूचर में आएगा, बोलते हैं पॉलिसी पोर्टेबिलिटी, जैसे अभी हम मेडिकल तुरंत कस्टमर चाहे तो तुरंत पॉलिसी भी ऑनलाइन खटाखट पोर्ट करा पाएगा, यानी कंपनी वालों के ऊपर भी तलवार लटकी रहेगी। तो दोस्तों फायदा कंपनी को और कस्टमर को, कस्टमर को फायदा हो मैं हमेशा चाहता हूं, लेकिन जो कंपनी अपना पैसा बचा ले मैं कभी नहीं चाहता, क्यों, कंपनी बिजनेस करती ही प्रॉफिट के लिए है, उनका कोई ईमान धर्म होता नहीं है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। पैसा कमाने प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा कमाना किसी का हक मार के, मैं इसके खिलाफ था, हूं और रहूंगा। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूं, सच बोलता हूं, और सच बोलने की मैं दम रखता हूं, औकात रखता हूं, राइट। और दोस्तों इसमें किसका फायदा होने वाला है, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, कॉर्पोरेट एजेंट जैसे बड़े बड़े बैंक होते हैं, NBFC, इंश्योरेंस ब्रोकर, और जो वेब अग्रेटर होते हैं, यानी वो लोग जो ऑनलाइन पॉलिसियां
ऐड करके बेचते हैं, जैसे policybazaar.com हो गया, इस तरह के होते हैं। तो दोस्तों ये लोग ऑलरेडी ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं और इनके पास पैसा भी है, ये और ऐड में पैसा खर्च करेंगे और ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, तो कस्टमर जाएगा उधर देखेगा आईआरडी के पोर्टल भी है, इनका भी है, चेक करेगा जहां मिलेगा टर्न। तो यानी अब इनका जो ट्रैफिक है वो ऐसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन की जब अवेयरनेस आईआरडी बढ़ा रहा है तो ज्यादा लोग ऑनलाइन जाकर सर्च करेंगे, और जब सर्च करेंगे तो इनका बिजनेस तो बढ़ेगा। अब दोस्तों एक बात आपको और बताता हूं, ये जो चेंज हो रहा है आईआरडी ने जो किया है दोस्तों, इसको बोलते हैं फिनटेक, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, और उसका एक बच्चा है जिसका नाम है इंश्योरटेक, इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी। हर चीज में आजकल टेक लग गया है, फिनटेक, इंश्योरटेक, एडटेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी, बैंकिंग प्लस टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हर जगह टेक्नोलॉजी, टेक टेक लगता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये जो आईआरडी ने प्लेटफॉर्म बनाया है इसको बोलते हैं इंश्योरटेक, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी, और उसका हिस्सा है, फ्यूचर इसका है आने वाले समय में, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में दोस्तों इसमें नुकसान है एजेंटों का, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। अब इसमें प्रॉफिट कौन कमाएगा, कैसे कमाएंगे, उसकी बात सुन लीजिए। बातें दोस्तों कड़वी हैं लेकिन फ्यूचर है मेरा, मुझे ऐसा लगता है मेरी ये जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको आगाह कर दूं। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। अब इस परिवर्तन से नुकसान किसका, साफ बोल देता हूँ, एजेंट का नुकसान होगा, क्योंकि कस्टमर के पास अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन रहेगी, 20-30% क्लाइंट ऑनलाइन जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे, वो क्योंकि लालच में फंसेगा, जाके जाएगा, देखे, खरीद लेगा। सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों बिजनेस का नहीं होगा, जो रियल नुकसान होगा वो क्या होगा बता देता हूँ, क्लाइंट लालच में जाके पॉलिसी तो ले लेगा, ऐड देखेगा, कोई फिल्मी हीरोइन आएगी या हीरो आएगा या क्रिकेटर आएगा, उसके लोग प्रभाव में आके जाके हाँ ले लेते हैं, और उसके बाद जब वो ले लेगा पॉलिसी और उसको सर्विस मिलेगी नहीं, क्योंकि क्लाइंट ले तो लेता है, जब सर्विस की बात आती है तो काम नहीं करना चाहता, फिर वो ढूंढता है, अच्छा वो बैंक में लिया था आपने, हाँ यहाँ रूपाली मैडम बैठती थी, मैंने उनसे कराया था, अच्छा हाँ नहीं उनकी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी तो मैं उनकी बातों में आ गया, हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, रूपाली मैडम की बातों में आप आ तो गए, तो रूपाली मैडम है नहीं क्या, नहीं सॉरी सर वो तो जॉब छोड़ के चली गई सर, हाँ जॉब छोड़ के चली गई, मुझे तो 5 लाख का ये ठगा गई है, मुझे 5 लाख का ये चिपका गई है, इसमें तो है ही नहीं जो उन्होंने बताया था, हाँ सॉरी सर हम कुछ नहीं कर सकते, आप सर जाके सर कंपनी वालों से बात कर लीजिए, ये होता है बैंक वालों का काम, मैं बैंक को दोष नहीं दे रहा हूँ, ऐसे केस होते हैं, सुनो मैं ये बात कह सकता हूँ ऐसे केस होते हैं और कई सारे मेरे जानकारों के साथ हुए। अब ऑनलाइन की बात कर लीजिए, ऑनलाइन क्लाइंट जाता है, ले लिया सब कुछ कर लिया, जो बातें थी वो क्लियरिटी कई बार मिसमैच होता है, अब फिर क्लाइंट क्या करता है, वो ढूंढता है एजेंट को, हाँ भाई तू आ जा, सारा रायता जब फैला दिया तो समेटने के लिए बोलते हैं एजेंट को, भाई अब तुम इस रायते को समेटो आके, तो माथे एजेंट के ही फूटेगा ये घड़ा सर्विस वाला, और बिजनेस कहां जाएगा, ऑनलाइन। ये दोस्तों असली नुकसान है, असली नुकसान वो नहीं कि आपका क्लाइंट छोड़कर चला जाएगा, आपका जो क्लाइंट है वो आपके पास ही रहेगा, अगर आपके संबंध अच्छे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आपकी नीयत साफ है और आपका क्लाइंट से एक पर्सनल टच भी है जो करना चाहिए, तो आपका 10% क्लाइंट के अलावा 90% क्लाइंट आपको छोड़कर नहीं जाएगा, यह मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, और जिसको जाना है वो चला ही जाएगा, वो ऐसे ही चला जाएगा। तो दोस्तों रियल नुकसान ये होगा कि लोग खरीदेंगे वहां जाके और फिर आपके पास आएंगे, तो पहले से तैयार रहना, अब आपको सर्विस और तगड़ी देनी पड़ेगी, लेकिन हाँ एक बार जब धक्के खा के आ जाएगा तो फिर दोबारा फिर आपके पास ही रहेगा वो। अब बात करते हैं कि इस परिवर्तन का फायदा कैसे उठाना है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊं, मेरा एक सिस्टम है फोन टू फॉर्चून सिस्टम, जो लोग फोन कॉल की मास्टरी करना चाहते हैं, HNI क्लाइंट्स बनाना चाहते हैं और फोन कॉल प्लस डिजिटल सिस्टम का कॉम्बिनेशन सीख के अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते, तो दोस्तों मैंने वर्ल्ड क्लास ऑफर डिजाइन किया है, जिसकी वैल्यू दोस्तों 9,997 प्लस 50,000 की बोनस सब मिला के दोस्तों 997, कितना 997, छोटे समय के लिए ऑफर दे रहा हूं, अभी जाकर देख लो अवेलेबल है या नहीं है, वो आपकी मर्जी है, बाद में मत बोलो रवि जी वो मैं कुछ बिजी था, वो सब खत्म, जाके चेक करो और मिले तो ले लो, सोचना नहीं 997 में कुछ नहीं होता, समझ लो 2 किलोमीटर ही खत्म कर लिया, राइट। अब आते हैं दोस्तों कि परिवर्तन का हिस्सा कैसे बनना है। नंबर वन, मैं कब से 4 साल से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं कि एजेंट का माथे से स्टिकर हटाओ और फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन जाओ, फाइनेंशियल डॉक्टर बन जाओ, यानी सारे प्रोडक्ट के बारे में आप तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर पूछेगा आप LIC बेचते हो या वो टाटा वालों का प्लान कहां पे देखा था मैंने, वो मैक्स वालों का प्लान देखा था, यानी अब आपको सारे इंश्योरेंस कंपनी के मेजर प्लान के बारे में पता होना चाहिए,
आपको पता होना चाहिए कि मेडिक्लेम में क्या बेनिफिट होता है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेवल इंश्योरेंस क्या होता है, यानी अब आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, अब बहाना नहीं चलेगा। नहीं रवि जी मेरे पास तो समय, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, पान खा के मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आजकल मेरे पास टाइम नहीं है। तो साइड हो फिर, टाइम नहीं तो छोड़ दे इंडस्ट्री, कुछ और कर ले, समझ रहे हो आप। नहीं नहीं मैं रात में सो जाता हूँ, पढ़ने का टाइम नहीं। फिर जिंदगी में तरक्की करनी तो टाइम निकालो, क्या बोलते हैं, तरक्की करनी है, सफल बनना है, पैसे कमाने हैं और शान से पैसे कमाने हैं तो अपने आप को एजुकेट करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, सीखो। मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं कहा, अरे भाई मैंने पढ़ा कहीं, सीखा, नोट्स बनाए, दिमाग खपाया, 4-5 घंटे लगाए, तब ये मैं आपको दे पा रहा हूं। आप समझ रहे हो, तो पहले अपने आप को एजुकेट करना शुरू कर दो, देखो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, नाक और कान आंख खुले रखो, इंश्योरटेक क्या होता है, फिनटेक क्या होता है, एडटेक क्या होता है, ये सब क्या हो रहा है, देखो, अपने कान खड़े रखो, हिरन की तरह एजुकेट करो अपने आप को, नॉलेज बढ़ाओ। नंबर दो, ये कहना बंद कर दो मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है, मैं तो 50 साल पुराना हूं, मैं गांव में रहता हूं, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती। रवि जी टेक्नोलॉजी, मैं तो नॉन टेक मैं तो नॉन टेक्निकल हूं, मुझे टेक्नोलॉजी सुनते ही तमार आ जाता है, मुझे बेहोशी आ जाती है, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है टेक्नोलॉजी सुनते ही। हाँ तो फिर क्या करें भैया, नहीं तो क्या करोगे, ऑप्शन बताओ, क्या ऑप्शन है, आप बताइए, आपके पास कोई ऑप्शन बचा है क्या? अब जब नैया बिल्कुल डूबने वाली है, और मैं कब से चिल्ला रहा हूं कि साथ में थोड़ा सा अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड भी बनाते रहो, मैं कब से कह रहा हूं, अब जब नैया सर पे पानी आ गया, यहां तक घुस गया है पानी, अभी भी कहोगे क्या मेरे पास मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, मैं नॉन टेक हूं, मुझे कैमरा फेस करने में शर्म आती है, आप कब, अब तो भैया जागो यार, अब तो आईआरडी ने सीधे अनाउंस कर दिया बीमा सुगम, अब कहां भागोगे, ये तो इंडस्ट्री छोड़ दो, इंडस्ट्री छोड़ जाओगे तो जाओगे कहां, जीना यहां मरना यहां, तेरे सिवा और जाना कहां, कहां भागो, भागो कहां, भाग के जाओ कहां भैया, राइट। तो ये कहना छोड़ दो कि टेक्नोलॉजी नहीं आती है, मैं नॉन टेक्निकल हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं गांव में रहता हूं, यह सब बकवास है, सीखो, लर्न। मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी नॉन टेक्निकल पर्सन हूं, मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, आई एम नॉट अ आईटी पर्सन, और आज मेरा ऑनलाइन कोर्स भी चलता है, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में 10 कंट्री मेरे क्लाइंट्स हैं, और जितना भी मैंने अपना सिस्टम डेवलप किया ये सब मैंने सीखा है, मैंने लाखों रुपए खर्चे, 200 रातें खपाई हैं सीखने के लिए, ये ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, ये यूट्यूब का, ये सब सीखा है भैया, आप समझ रहे हो। तो ये कह, पहले मैं ऐसा कहता था कि मैं तो नॉन टेक्निकल पर्सन हूं, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, किस्मत खराब है, तो बस ठीक है, और जब मैंने कहना बंद कर दिया, मैंने कहा चुप, अपने आप को, जब अपने आप को कई बार आदमी को, अपने आप को आदमी को थप्पड़ मारना पड़ता है कि भैया ये सब कहना बंद कर बकवास, और औजार उठा, हथियार उठा कि मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगी एंड बिकम अ डब्ल्यू आई टी पर्सन, व्हाट्स द वर्ड, डब्ल्यू आई टी, व्हाट एवर इट टेक्स, जो कुछ लगेगा वो मैं करूंगा, जो कुछ लगेगा वो मैं करूंगी, बीच में कोई चॉइस नहीं है, मे बी एक्चुअली किंतु परंतु, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी, वो होगा ही नहीं, ऐसा होगा तो मैं ऐसा, जब सूरज पश्चिम से उगेगा तब मैं सफल बन जाऊंगा, तो भूल जा, नहीं, जिस हालात में हूं, जहां भी फंसा हूं, जो कुछ भी है, जितने पैसे, जिंदगी, जो कुछ भी ऊपर खबर चल रहा है, इसी हालात में मैं परिवर्तन का हिस्सा बनूंगा, बनूंगी, और अपने आप को एजुकेट करूंगा, करूंगी, अदरवाइज इट्स नॉट अबाउट द इंडस्ट्री एट ऑल भैया, इट्स ऑल अबाउट यू। ये इंडस्ट्री छोड़ के भागोगे, कहां भाग के जाओगे, क्या बेचोगे बताओ मेरे को, रियल एस्टेट में जाओगे, वहां भी चेंज आने वाले 10 साल में, यही सारे परिवर्तन रियल एस्टेट में आएगा, लिख के दे रहा हूं, और ये मैं बोल भी चुका हूं पिछली वीडियो में, लिख लेना आप इस बात को, कोई नहीं बचेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, और जो भागते हैं मैदान छोड़ के, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, पैरों के नीचे जमीन खत्म हो जाती है, इतिहास गवाह है। इससे अच्छा है, भगवान कृष्ण ने बोला भगवद गीता में अर्जुन को, अगर तू भागेगा तो नपुंसक कहलाएगा, इससे अच्छा है कि युद्ध करते करते मर जा, तुझे स्वर्ग मिलेगा, अगर तू भागेगा तेरा क्षत्रिय धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और लोग इतिहास में तेरे नाम कलंक पोत देंगे, इसलिए युद्ध कर, खड़ा हो जाए, युद्ध कर, मैं आपको बोल रहा हूं, भागो नहीं, डरो नहीं इस परिवर्तन से, फेस करो, यस आई विल चेंज माई सेल्फ, देखता हूं क्या है, कुछ देखता हूं क्या है, और मैं सिखा रहा हूं, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, राइट। तो सीखो, ये कहना बंद कर दो, ये नहीं आता। और तीसरा, ऑनलाइन सोशल मीडिया में अपना ब्रांड बिल्ड करो, क्या मैंने बोला, ऑनलाइन सोशल मीडिया में बकवासबाजी नहीं, ब्रांड बिल्ड करो,
ब्रांड कैसे बिल्ड होगा, वैल्यू देके। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं। आज मेरा एक ब्रांड है, एक रिस्पेक्ट है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं कैसा बोलता हूं, नहीं नहीं नहीं, बात की गहराई में समझो आप, क्योंकि मैं वैल्यू दे रहा हूं, मैं वैल्यू दे रहा हूं। ऐसे आप भी अपने कस्टमर को एजुकेट करके वैल्यू दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग योर ब्रांड, बिल्डिंग योर ब्रांड वैल्यू फॉर फ्री। और ये जो मैं बिल्ड कर रहा हूं, ये मुझे लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहा है और लाइफ टाइम बिजनेस चल के आता है यहां से। ये सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग की वजह से, ऑनलाइन की वर्ल्ड की वजह से आज मेरा बिजनेस 10 कंट्री पहुंच गया। मैं घर बैठ के उनको सिखाता हूं, पैसे कमाता हूं। आपको भी बिजनेस करना है, सीखो ऑनलाइन कैसे काम करते हैं। जो आईआरडीए करने जा रहा है उसके साथ चलो। बिजनेस तो नुकसान होगा, लेकिन अगर माइंड के तैयार हो जाओगे तो जितने क्लाइंट जाएंगे 10% उससे 20% बना लोगे ऑनलाइन वर्ल्ड को समझ के। और आपको चमन्नी एड में खर्च करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं गहराई से समझो इस बात को आप, क्योंकि हर कोई इस वीडियो को यहां तक नहीं देखता। लोग पहले सरक लेते हैं, खिसक लेते हैं। आप अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप